জেনাতে কি দামুন, জেনাতে কি দামুন, अपने लिए खुद ही जगह बना लो। ये तो एक गुजरगाह है जहां हर बंदा मुख्तसर अरसे के लिए कयाम करता है और अपना बोरिया बिस्तर समेट कर चल पड़ता है। नहीं छोड़ूंगा। क्यों मारो? कोई बीच में नहीं आएगा, कोई बीच में नहीं आएगा। की चलिया, की चलो। बैठे रहो तुम। आखिर कोई रोकता क्यों नहीं इसे? जरूरत नहीं, अभी खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा? वो तो जाहिर है कि खत्म हो ही जाएगा, या तो बेचारा मौत के हाथों या जख्मी होकर। मेरा मशवरा है कि तुम फजूल में परेशान मत हो, हर एक को बिल आखिर किसी न किसी तरह मरना ही है। बस खत्म करें ये झगड़ा, इस बेचारे को इतना मत मारें। तुम बीच में मत आओ बरखुदार, वरना इसकी जगह वो तुम्हें भी मारने लगेगा। बरखुदार, तुम बड़ों के मामलात में दखल मत दो। अब बस करो, इस बेचारे में तुम्हारी मार सहने की सकत नहीं है। इतनी जरूरत नहीं कि मुझे रोक सके। छोड़ो बरखुदार, तुम अपनी खैर मनाओ। आखिर ये इंसान है, इनसे लापरवाही कैसे बरती जा सकती है? मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, अब खत्म कर रहे हैं इस लड़ाई झगड़े को। क्या कहा तुमने? मैंने कहा कि खत्म कर रही है लड़ाई झगड़ा। लो ऐसे देखो, मैन की को भी जुकाम हुआ है, खामखा अब मुझे मार। आराम से, मैं कह रहा हूँ मुझे छोड़ो। आराम से, मैंने कहा आराम से। मेरा हाथ छोड़ो। तो सुकून हो जाओ, जब ठंडे हो जाओगे तो छोड़ दूंगा। मैं कह रहा हूँ मुझे छोड़ दो, बशर्त ये कि फिर नहीं झगड़ोगे। मेरा तुमसे लड़ने का कोई इरादा नहीं है। लेकिन मेरा इरादा है। कहना बस करो। बड़ा सूरमा समझते हो? मैं फिर कह रहा हूँ, पुरसुकून हो जाओ। मैंने तुमसे कहा था ना कि इन कैदियों से लड़ना नहीं, आए देर नहीं हुई कि शुरू कर दिया। मेरा मकसद झगड़ा खत्म करवाना था, झगड़ना नहीं। अगर ये नौजवान न होता तो मैंने मुझे मार ही डालता। तो तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? कैदी एक दूसरे की जान के दर पे हैं और तुम लोग बैठे सिर्फ तमाशा देख रहे हो। आज के बाद जो भी जिंदान में लड़े झगड़ेगा और बदबनी फैलाएगा, वो खुद को 100 कोड़ों के लिए तैयार कर ले।
नैनीपुर ने चूंकि झगड़े का आगाज किया है, इसे 100 कोड़े और युधार सिंह को 50 कोड़े मारे। बात को बर्दाश्त कर अब आया ना असर हरी, तुमने देखा नहीं किस तरह नैनी पर कप्तान के सामने बैठ गया था। ये तो कोई इंसाफ नहीं, इसे सजा नहीं मिलनी चाहिए थी। काफी है, 50 कोड़े हो गए, इसे खोल दो। पता नहीं मैं किस तरह तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं। तुमने अपनी जान मेरे लिए खतरे में डाली, अगर तुम ना होते तो वो मुझे मार ही डालता। हम इंसान हैं और हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। आपकी मदद करना तो मेरा फर्ज था। बस काफी है, इसे अलहदा कोठरी में डाल दो। क्या नाम है तुम्हारा? क्या करते हो यहाँ? क्या कर रहे हो? तुम्हारी खता क्या है? मिस्र के लोग मुझे युजार सीफ कहकर पुकारते हैं। आज सुबह तक मैं पेशकार जनाबे पुतिफार था। मेरा कैद होने की वजह अपने अरबाब इख्तियार की नाफरमानी और अतात न करना है। और इसके अलावा क्या सवाल था? तुम इतनी छोटी उम्र में अजीज मिस्र यानी जनाब पोतीफार के मुशीर खास और पेशकार थे? वो नैनीफर हमेशा कैदियों पर अपनी बर्तरी जताने के लिए मार कुटाई करता है और धौंस जमाता है। बारह की दमुन ने उसे सजा दी है, लेकिन वो फिर भी जुल्म मुझे आपकी से बाज नहीं आता। आज नैनीफर ने पहली बार इस तरह किसी से मुंह की खाई है। मैं उसे जानता हूँ, वो निगहबान कसरे पुतिफार रह चुका है। मैं तो समझा था कि जंदान ने उसकी इसलाह कर दी होगी, मगर वो एक कामयाब फाते की तरह जा रहा था। अगर उसने इजहारे पशेमानी ना की, बानो हुजूर इतने जल्दी कोई नतीजा अख्स मत कीजिए। चंद रोज गुजरने दें, अस खुद आजादी और नाजो नेमत की कदरों की मत जान जाएंगे। जब वो जा रहा था तो ऐसे जैसे कोई कैद से रिहाई पाकर जाता है, ना कि एक असीर कैदी की तरह।
उम्मीद है कि हमारा ये हरबा कारगर साबित होगा, वरना या मैं नहीं या तुम नहीं। खुदाबंद मेहरबान, यूसुफ रंजो मुसीबत में गिरफ्तार हो गया है, तू उसकी मदद फरमा। मैंने अपनी आजादी को खोया है ताकि तुझे न खो दूं। इलाही, जंदान की सख्तियों और अजियतों को मुझ पर आसान फरमा और मुझे सब्र और तहम्मुल और बुर्दबारी अता फरमा। खुदावंदा, पुतिफार और जुलेखा ने मेरे लिए बहुत जहमतें उठाई हैं, मैंने उन्हें माफ किया, तू भी उन्हें माफ फरमा और जुलेखा को उसके खुद साख्ता नफ्स की कैद से निजात दे और उसकी अपनी जानिब हिदायत फरमा। क्या तुम पहले कसरे पोतीफार के निगरान थे? तुम्हें कैसे मालूम? ये जवान तुम्हें जानता है। क्या तुम मुझे जानते हो? क्यों अपनी इसलाह नहीं करते हो? क्यों अपनी गलत हरकतों से बाज नहीं आ जाते? मैं बचपन में तुम्हारी चोरी का शाहिद रहा हूं और जवानी में तुम्हारी जुल्म ज्यादती का। कौन हो तुम, मुझे कैसे जानते हो? मैं वही बच्चा हूं जो तुम्हारी इस कैद का बायस बना था। कस्र पुतिफार, खजाना कस्र, कुछ याद आया? कैसे भूल सकता हूँ, मैंने कसम खाई थी कि तुमसे इंतकाम लूंगा। इंतकाम लूंगा, मुझसे बच कर रहना। मुझे तुमसे कोई खौफ नहीं, खौफ है तो इस बात का कि जिस राह पर तुम गामजन हो वहां हलाकत के सिवा कुछ नहीं। माजरा क्या है? कुछ नहीं, मेरे और नैनेफर के माजी से मुतालिक बात है। ये कौन है, इनका जुर्म क्या है, इन्हें सबसे अलग क्यों रखा गया है? पता नहीं, कल लाए गए, यकीनन इनका जुर्म संगीन हो। इनके चेहरों से शरारत तो नहीं टपकती? हमेशा एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं, मालूम नहीं क्यों। Bye.
हमारे बीवी बच्चों को क्या होगा? तुम जैसे गद्दार के साथ जितना भी हो कम है। अगर तुम्हारी बुजदिली और नाहली ना होती तो अमून होता अब तक मर चुके होते और हम दोनों ही आला ओहदों पर फायज हो चुके होते और एक कसी रकम भी हमारे हाथ आ गई होती। अब तुम क्या समझते हो ये लोग हमारे साथ क्या करेंगे? मैं ज्यादा फिक्रमंद नहीं हूं। हम आमून होतब को ना मार सके तो क्या कोई और मार देगा? और तब हम आजाद हो जाएंगे, मैं मुतमईन हूं। तुम्हारे और भी शरीके जुर्म है जो तुम्हारे अधूरे काम को मुकम्मल करेंगे। कौन है वो, बताओ कौन है वो? उनके नाम बता दो ताकि यहां से निजात पा लें। तुम किस कदर बुद्धू हो अहमक। हम तब तक ही जिंदा हैं जब तक हमारे पास बताने को कुछ है। जूं ही बताया तो अपना काम तमाम समझो। लेकिन मुझे यकीन है कि मैं यहां से निजात पा लूंगा और तुम भी यकीन रखो कि तुम्हारे लिए एक गद्दार होने के नाते कोई राह निजात नहीं। यानी मैं नहीं छोड़ूंगा। मेरा ख्याल है बेवकूफ तुम हो, तुम्हें फरेब दिया गया है। अब जबकि तुम मुसीबत में हो तो तुम्हारी किसी ने कोई खबर ही नहीं ली। बस करो बेनरोस, बस करो, मुझे उन पर यकीन है। पूरा भरोसा है उन पर, हाँ पूरा भरोसा है। तुम फिक्र मत करो बेनरोस, वो जरूर हमारी मदद करेंगे। अफसोस के ना आमून होतब और ना ही उनके अहले खाना के साथ कोई भी हादसा पेश आया है। आली जनाब, आप किसकी भी कुछ खैर खबर नहीं है। तुम्हें यकीन है कि वो गायब है? आली जनाब, जैसे उसे आसमान खा गया हो या जमीन निकल गई। उसे तलाश करना होगा पहले कस्ब के जंजानों में। अगर वो गिरफ्तार हो गया तो किसी सूरत में भी उसकी जुबान नहीं खुलनी चाहिए। जहां कहीं उसका सुराग मिले उसे वहीं हमेशा के लिए खामोश कर। बसूरत है दीगर, अगर आमून को पता चल गया कि ये इकदाम कत्ल हमारी जानिब से था तो जानते हो क्या कयामत खड़ी होगी। अब तक अगर हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है तो इसका मतलब ये है कि यानी अभी किसी को भी असल मामले की खबर नहीं। और अगर आपो पीस गिरफ्तार हो गया है तो उसने अब तक मुंह नहीं खोला है। आप फिक्र ना करें आली जनाब, उसे जमीन निकल गई हो या आसमान खा गया हो, जहां भी हो हम उसे ढूंढ निकालेंगे। नीमी साबू, निमी साबू। जी 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 आली जनाब। ये क्या है? कुछ खाने पीने की चीजें लेके जा रहा हूँ जुजार सिप के लिए। ये भी मेरी तरफ से एक इदामन को देना और उसे मेरा सलाम कहना और कहना कि जुजार सिप को नहायत अजीम व मोहतरम रखी और उम्र जिंदान की इस्लाहात के जमन में उनसे बहरमन हो क्योंकि वो इस कम उम्री के बावजूद नहायत ही माहिर और तजुर्बेकार और दानो हकीम है। जी जरूर जरूर आली जनाब, जरूर, जरूर।
अंदर आ जाओ। रुदम, उनको मेरा भी सलाम कहना और मेरी तरफ से उनका शुक्रिया अदा करना। इस थैले में क्या है? थोड़ा सा खाना है युजार सीफ के लिए। ये जंदान है, कसरे पुतिफार या इस्तराहतगाह नहीं। लेकिन चूंकि रुदामून ने यह भेजा है लिहाजा कोई हर्ज नहीं। युजार सीफ को ले आओ। युजार सिफ, जनाब किदामुन ने तुम्हें बुलवाया है। युजार सिफ जनाबी किदामून, क्या हम कुछ देर बात कर सकते हैं? लेकिन मुख्तसर। बस करो नीमी साहब, चुप हो जाओ। ये बताओ, तुम मेरे जंदान से छुटकारा पाने की वजह से रो रहे हो? नहीं, आप जंदान में हैं इसलिए रो रहा हूँ। गलती कर रहे हो, मेरे लिए कसर पुतिफार जंदान था, ये नहीं। ये कैद तो मेरे लिए सरासर निजात और आजादी है। ये मैं आपके लिए लाया हूं। बहुत अच्छा किया, तमाम कैदी खुश हो जाएंगे। लेकिन मैं ये सब कुछ आपके लिए लाया हूं, कैदियों के लिए नहीं। अच्छा, ऐसा तो नहीं हो सकता कि इन्हें बिल्कुल ना दें, लेकिन थोड़ा सा आप खुद भी ले लीजिएगा, सब इन्हें मत दीजिएगा। अच्छा ठीक है। मैं समझता था कि कसर पुतिफार में सिर्फ बानो जुलेखा ही हैं जो तुम्हें शिद्दत से चाहती हैं, लेकिन यहां तो लगता है कि तमाम साकिनी ने कसर ही युजार सीफ की मोहब्बत में मुब्तला है। सिपास गुजार हूं। बानो जुलेखा के हवाले से जनाब किदामून को तुमने बताया है? नहीं नहीं, जनाब रुदामून ने लिखा है। वो तुम्हें साहिब फहमो फरासत और तजर्बाकार समझते हैं और उम्मीद रखते हैं कि तुम्हारी मौजूदगी से जंदान की हालत ज़ार में बेहतरी लाई जा सकती है। ये तो जनाब रुदामून की मोहब्बत है, अलबत्ता अगर आप इजाजत फरमाएं तो कुछ इस्लाहात अमल में लाई जा सकती हैं। ये खाना कैदियों में तकसीम कर दें। आराम से, सबको मिलेगा, सब्र करो। ये लो मेरे भाई, और औरों को भी दो।
اگرچہ یہ بہت کم ہے لیکن ممکن ہے قدورت ختم کرنے میں یہ کچھ مدد کرے۔ قدورت ختم کرنے میں؟ ہمارے درمیان سوائے کینہ اور نفرت کے کچھ بھی نہیں، رہی قدورت تو وہ بدلہ اور انتقام لینے کے بعد ہی ختم ہوگی۔ کوئی بات نہیں، لیکن آج تک کسی نے بھی نفرت و انتقام کا انجام اچھا نہیں دیکھا، تم بھی نہیں دیکھو گے۔ کینے کی تلخی اور غصے کی شدت قید کی تلخی کو مزید بڑھا دیتی ہے۔ صرف تمہاری وجہ سے اتنے سال مجھے زندان کی سختیاں جھیلنی پڑی اور میں اس کا بدلہ لے کے جاؤں گا۔ اگر چوری نہ کرتے تو زندان میں بھی نہ آتے، بہتر ہوگا اپنی اصلاح کر لو۔ یہاں کس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں؟ آخر کیوں یہاں کی صفائی ستھرائی کے لیے کوئی کوشش نہیں کرتے؟ اگر یہ جگہ زیادہ ہی صاف ستھری ہو گئی تو پھر کس کم وقت کا یہاں سے جانے کو دل چاہے گا؟ یہ زندان ہے، نہ تو ہم مہمان ہیں اور نہ یہ مہمان سرا۔ اصل میں ہم سب یہاں مہمان ہی ہیں، نہ صرف اس قید خانے میں بلکہ اس دنیا میں بھی، جہاں ہمیں کچھ عرصے رہ کر چلے جانا ہے۔ اس دنیا یا قید خانے میں عارضی قیام کو جواز بنا کر ہمارا اس آلودہ و متعفن زندگی پر سمجھوتا کر لینا مناسب نہیں۔ رودامون معاف کیجیے گا جناب، رودامون وہ مجھ سے ملے، میں بھی ان سے ملا، یوزار سنگھ کی بات کر رہا ہوں۔ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ ٹھیک،
बिल्कुल ठीक है, उन्होंने तो चंद दिनों में ही दारोगा जंदान को भी अपना गर्विदा बना लिया है। आपका खत भी जनाबे कैदम उनकी खिदमत में पहुंचा दिया है। अच्छा, उन्होंने जुजार सिफ को वहीं अपने पास बुलवाया। जुजार सिफ ने मुझे अपने गले से लगाया और मुझसे मोहब्बत से पेश आए। वो कैद होने पर रंजीदा नहीं थे? रंजीदा बिल्कुल भी नहीं, बल्कि वो तो बहुत खुश थे। कह रहे थे जंदाने जावीरा जंदाने जुलेखा से बेहतर है। गालिबन कारी मामा को मुझसे कुछ काम है। नहीं, बस युजार सिफ के बारे में पूछना था, सो जवाब मिल गया। गलत हो गया ना? इतना भी नहीं, फिक्र मत करो। अब ये जाकर बानो जुलेखा को सब कुछ बताएगी और तब बानो का गुस्सा काबिले दीद होगा। जंदान जावीरा जंदान जुलेखा से बेहतर। मैं जंदान जावीरा को तुम्हारे लिए जहन्नुम बना दूंगी ताकि तुम हर रोज हजार बार जुलेखा के अस्तबल में जिंदगी गुजारने की आरजू करो। तुम्हें दिखा दूंगी, देख लेंगे। लिखो, अब मेरा ये कसर जंदाने जावीरिया से भी बदतर हो गया। आप मेरा ये नहीं अहमक, ये मत लिखो। माफी चाहती हूँ बनूसू। लिखो लिखो कि युजासी को जंदान में इसलिए डाला गया ताकि वो तायब होकर मेरी अतात करे। वो गुलाम जो अपने अरबाब इख्तियार की अतात ना करे उसे इतनी सख्त अजियतें और सहूलतें मिलनी चाहिए कि वो आइंदा फिर कभी हुक्म अदूली की जरूरत ना कर सके। युजासी जंदान और शिकंजों से तभी निजात पा सकता है जब मेरी अतात करने पर राजी हो जाए। ये युजासी परवासी कर दिया। आप जाएं और बानो जुलेखा से कह दें उनके हुक्म की अताअत जरूर होगी। युजार सिंह, इंतखाब तुम्हारे अपने हाथों में है। तुम चाहो तो यहाँ से रिहाई पा सकते हो। बस बानो जुलेखा को मेरा इतना लिख देना ही काफी होगा कि युजार सिफ उनकी अताहत के लिए आमादा है। मैं इस असीरी को उस आजादी और राहत से कहीं ज्यादा पसंद करता हूँ। इस जंदान को मेरे लिए शिकंजा गाह जुलेखा के हुक्म के पेशे नजर बना दें या जाए पना ताकि उनकी चालों से महफूज रह सकूं। यह फैसला आप पर मुनहसर है। मेरी हतुल मकदूर कोशिश होगी कि जुलेखा के हुक्म पर अमल दरामद न करूं। जनाबे किदामुन, क्या मैं आपसे एक दरखास्त कर सकता हूं? कहो। हम कैद खाने के इस माहौल को तो अपने कैदियों की मदद से साफ सुथरा कर सकते हैं, लेकिन उनके फटे पुराने लिबास की तब्दीली हमारे दस्तरस से बाहर है। क्या आप हमारी मदद फरमाएंगे? कोशिश करूंगा। आप उपेश जनाब फरमा रवा के खान सामा को
कहीं देखा तो नहीं आपने? निगेबान मोहतरम, दुरूद हो आप पर। वो आप ऑफिस जनाब फरमारवा के मखसूस खानसामा को तो नहीं देखा आपने? मुझे उससे काम था। कुछ रोज पहले एक रात उन्हें यहां रखा और फिर यहां से ले गए। ले गए कहां? उसने क्या किया था जो उसे यहां लाए थे? पता नहीं, जनाब पोतीफार के हुक्म पर इन्हें रात को यहां लेकर आए और उन्हीं के हुक्म पर अगली सुबह उन्हें यहां से लेकर चले गए। उन्हें? मगर कितने लोग थे वो? वो दो अफराद थे, आपूपीस और बिनारूस। तुम्हें उनसे क्या काम है? कुछ नहीं, मेरे पास उसकी अमानत थी, वो उसे लौटानी थी। अच्छा, मैं उसके घर चला जाता हूँ, शायद वहां मिल जाए। खुदाओं के हिफ्ज़ व अमान में रहें, खुदाओं के हिफ्ज़ व अमान में रहें। खुदा की लानत हो उन पर, लानत हो। दो माह होने को आए हैं लेकिन उनकी कोई खबर नहीं। बस अपने काम से मतलब था, अब हमसे क्या मतलब? जरा ख्याल नहीं किसी अहमक से कुछ तय भी किया था जिसने अपनी और अपने बीवी बच्चों की जान महज उनकी खातिर मुश्किल में डाल दी। अब उस पर क्या कयामत टूट गई, उन्हें अब उससे क्या मतलब? आखिर तुम उन खबीसों का नाम बता क्यों नहीं देते? जब उन जलील और पस्त लोगों को अपने वादे का लिहाज नहीं तो तुम लिहाज क्यों करते हो? अब जब कि तुम मुसीबत में हो तो वो सब उन्हें चूड़ हैं। बस करें, क्या हो गया आप लोगों को? जंदान के इस अफसुरदा माहौल को मजीद अफसुरदा मत करें। हम दोनों वो अहमक है जो जनाब आमून होता फरमा रवाए मिस्र को मारने चले थे। ये सोचे समझे बगैर कि वो खुद खुदाओं में से एक है, इतने आसानी से मारे नहीं जा सकते। ये दो माह होने को आए लेकिन अब तक उनमें से कोई हमारी खबर गिरी को नहीं आया। और ये अहमक अब भी अपने शहरी के जुम्म साथियों के साथ वफादार है और अब भी उनके नाम बताने को तैयार नहीं ताकि हम इस कैदोबंद से निजात पा सके। तुम शायद बेवकूफ होगा लेकिन मैं नहीं, ये अभी नहीं जानता। जब तक हमारे पास बताने को कुछ है, पुतिफार और आमून हुतब हमें जिंदा छोड़े हुए, वरना जिन्होंने फरमा रवा के कत्ल का इकदाम किया हो तो उन्हें जिंदा रखने का क्या जवाब रह जाता है? जब तुम जानते हो कि बिलाखिर मारे जाओगे तो इस वाक्य के असल खताकारों के चेहरे को बेनकाब क्यों नहीं कर देते ताकि वो अपने कैफरे किरदार को पहुंचे? मैं अभी पूरी उम्मीद हूं। हाँ, अब भी पूरी उम्मीद हूं। अगर निजात की कोई उम्मीद ना हो तब भी मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा, नहीं, बिल्कुल नहीं बताऊंगा। अगर कहीं उनका नाम बता दिया तो वो मेरे बीवी बच्चों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जहां तक मेरा अंदाजा है, ये साजिश महाबदे आमून की जानिब से हुई है और आप उपीस की परेशानी बेजा नहीं। वो लोग नहायत बेरहम और संगदिल हैं। मेरा अंदाजा दुरुस्त है ना? नहीं, मैंने कहा ना मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा। तुम्हारा मोहतात होना बजा है। अगर अपनी नहीं तो कम से कम अपनी बीवी बच्चों की जान तो बचा सकते हो। यानी फिर तो हमें खुदाओं की मदद मांगनी चाहिए। अब तो सिर्फ वही हमारी मदद कर सकते हैं। तुम्हारे खुदाओं में अगर मदद करने की ताकत हुई भी तो पहले तो वो काहिनान माबद और खुद आखमाहु और पादियामून की मदद करेंगे, ना कि तुम्हारी। तो क्या तुम्हारे ख्याल में ना हमें आमून की हमायत हासिल है और ना ही काहिनान आमून की? देखिए, मेरा मकसद आपके खुदाओं की आहनत करना हरगिज नहीं, लेकिन उम्मीद मदद रखना वो भी एक पत्थर के मुजस्मे से बईदा ज़क्ल है। तुम कौन हो जो हमारे खुदाओं को पत्थर के मुजस्मे कह रहे हो? युजासीफ हूं मैं।
यूजार सीफ, पेशकार पुतिफार, वही सुलेखा के माशके वाला। तुम लोगों को अपनी निजात के लिए किसी कादिर और तवाना खुदा की जरूरत है। इन खुदाओं के बस में कुछ भी नहीं है। चलो चलो सब तैयार हो जाओ, पत्थर की कान पे जाना है, सब बना ले, इन्हें बांधो, जल्दी करो। जब जा रहे थे तो काफी परेशान थे, कह रहे थे मुमकिन है कोई नागवार हादसा पेश आ जाए। क्या अब तक कोई सुराग नहीं मिला उनका? हर एक जगह ढूंढ लिया लेकिन किसी को कुछ नहीं पता है। खानदान के अलावा और कहाँ जा सकते हैं? उन्हें भी कुछ नहीं पता है कहाँ गए। परेशान मत होइए, अगर उसका कोई सुराग मिला आपको इत्तला कर दूंगा। ऐसे कोई खबर नहीं, ये उसका घर नहीं है क्या? मैं तो सोच रही थी कि उसके बारे में आपसे पूछूंगी, क्योंकि वो आखिरी दिनों में मुसलसल आपके और जनाब आखमाहों के बारे में ही बात कर रहे थे। मसलन क्या कह रहा था? क्या मालूम, बस कह रहे थे कि कोई बड़ा वाकया रोनुमा होने वाला है, हमारे हालात और आपो पीस का औदा बदलने वाला है। कुछ अंदाजा है कहाँ गया होगा वो? नहीं जानती, नहीं जानती। मुझे तो तवक्को थी कि आप माबत वालों को कुछ पता होगा, कहीं वो किसी मुश्किल में ना फंस गए हो, कोई आफत ना आ पड़ी हो उन पर। नहीं आप परेशान मत हो, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि कुछ नहीं हुआ होगा। अगर कोई हादसा पेश आता तो अब तक पता चल गया होता।